हेलो एंड वेलकम गाइस, रिमाइंडर और 888 एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। वो क्या है जो आपको इन दिनों अवॉइड करना चाहिए। पार्ट वन इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट टू से हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। ये जर्नल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखिएगा, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। 15 अगस्त से टैरो क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। पर्सनल नंबर पे डिटेल्स ले सकते हैं, ठीक है। पार्ट वन हमने चेक किया, अब हम चलते हैं पार्ट टू में। सबसे पहले हमने आपकी एनर्जी चेक की, अब हम चलेंगे टैरो से लास्ट में लेंगे आपके लिए गाइडेंस, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट यू शुड डूइंग अवॉइड दीज डेज। पार्ट टू है ये। लास्ट शफल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस, एट ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, थ्री ऑफ कप्स कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सेवन ऑफ वॉन्स एरीज लियो सेगिटेरियस, जजमेंट लिब्रा, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, नाइन ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस। बॉटम डेक में है एस ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का कार्ड है। यहाँ पर मेरे साथ मेरे पास अर्थ साइन भी मौजूद है, वाटर साइन भी मौजूद है, फायर साइन भी मौजूद है और एयर साइन भी मौजूद है, ठीक है। इट्स मीन के टोटल 12 जोडियक साइन की रीडिंग है। अच्छा, मुझसे कमेंट सेक्शन में मैं बार बार रीड कर रही हूँ जाके कि किसी कंबाइंड जोडियक साइन के लिए कमेंट आ रहा है मेरे पास। तो देखें, मैं जोडियक साइंस पर रीडिंग नहीं करती स्पेशली, ठीक है। जर्नल कलेक्टिव ज़रूर करती हूँ मैं, लेकिन बाकायदा तौर पर मैं जोडियक साइन की रीडिंग्स नहीं करती हूँ। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ व्हाट यू शुड डूइंग अवॉइड दीज डेज, तो यहाँ पर है कि आपने जो अपने गिर्द बाउंड्रीज खड़ी कर ली है ना, उसको नहीं गिराएं, ठीक है। आपने जिस सिचुएशन से वॉक अवे किया, देखें जजमेंट या तो आपके पास आ गया है या अनकरीब आपके पास आने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखें, एक किसी एनर्जी से अपने आप को डिटैच होना, यानी कि अगर हम किसी वर्क सिनेरियो पर काम कर रहे हैं, हम किसी जगह पे बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बेशक वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, करियर हो, और आपको वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक ना मिले, आपको वहाँ से निकाल दिया जाए या आपको डिटैच कर दिया जाए, तो लाजमी सी बात है कि एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट का शिकार होंगे, डिप्रेशन का शिकार होंगे। लेकिन जब आपने ये चीज़ जो आपकी लाइफ में प्रीवियस टाइम पे हुई ना, ये आपको ग्रोथ ओरिएंटेड बना गई, यानी कि इस टाइम पीरियड में जिस वक्त आप एंजल्स ने आपको सपोर्ट किया, उसमें आपने अपनी ग्रोथ को अब विटनेस किया कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, आप किस सिनेरियो के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। नो डाउट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, और विद द थ्री ऑफ कप्स कार्ड यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि किसी क्लोज मेंबर ने, किसी दोस्त से, आपको किसी करीबी दोस्त से धोखा मिला है, या किसी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया आपके साथ और फिर सिचुएशन से वॉक अवे किया। जितनी स्पीड से आया आपकी ज़िंदगी में, उतनी स्पीड से गुजर गया। विद द एट ऑफ कप्स कार्ड के एक भारी दिल के साथ अपनी एनर्जी को डिटैच करना वहाँ से, लेकिन आपने जब अपनी एनर्जी के ऊपर काम किया तो अपने आप को गार्ड किया है, प्रोटेक्ट किया है। लेकिन इस वक्त में मुझे नज़र आ रहा है कि आप जो है ना, वॉक अवे करने के बाद
दोबारा से अभी आपका माइंडसेट चल रहा है कि कुछ पॉसिबल है यहाँ पर, कुछ मज़ीद हो सकता है, तो आप बार बार आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। बेसिकली ये हो क्यों रहा है, 24/7 किसी के माइंड में आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, इसीलिए आपका माइंड बार बार डाइवर्ट हो रहा है, इसीलिए आपका दिल आपको बार बार अप्रोच कर रहा है कि आप अपनी साइड से कोई एक्शन लें, ठीक है। बट इस चीज़ को याद रखिएगा, विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जिस रिश्ते की तरफ आप बढ़ना चाह रहे हैं वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलना सिवाय डिटैचमेंट के, क्योंकि एक मिसाल है कि आजमाए हुए को आजमाए बेवकूफ़ कहलाए, तो ये सिनेरियो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि दिल के हाथों मजबूर हो के, या तो आपको एक क्यूरियोसिटी हो रही है अंदर से कि आप जानना चाह रहे हैं कि किसी के साथ किसी ने अपना कर्मा फेस किया, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप जजमेंटल हो रहे हैं कि मेरी एनर्जी से डिटैच हो के उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो देखें, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, ठीक है। आपको अपनी साइड से बाउंड्रीज़ को लो करने की ज़रूरत नहीं है। जो जब सामने वाला अपना कर्मा फेस करेगा ना, तो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली किसी ना किसी सिनेरियो से ये चीज़ें रिवील हो जाएंगी कि सामने वाला करंट डेज में अपना ये कर्मा फेस कर रहा है। मैं देख सकती हूँ यहाँ पर कि किसी क्लोज वन से आपने यहाँ पे धोखा खाया है, डिसेप्शन हुआ है, और किसी बहुत ही क्लोज पर्सन ने आपकी लाइफ में इंटरवील करके जो है ना आपसे डिटैचमेंट इख्तियार किया। इस वक्त आप थोड़ा सा रशिंग एनर्जीज में, आप चाह रहे हैं कि आप फौरन जजमेंटल हो जाएं कि आप इसने मेरे साथ ऐसा किया है तो इसके साथ ऐसा होना चाहिए, या उस वक्त में उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो देखें, यहाँ पर अपनी एनर्जी को सिर्फ आप ड्रेन करेंगे, ठीक है। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, उस चीज़ को देखें कि इस सिनेरियो की वजह से आपकी लाइफ में किस तरीके से ग्रोथ आई है, ठीक है। डिवाइन ने आपको किस काबिल बनाया है, आपकी फर्स्ट एनर्जी ही अप्रिसिएशन के कार्ड से नज़र आई थी कि अगर किसी ने कभी आपको कहीं बुरा भला भी कहा है, एब्यूज़ किया है, टॉन्ट किया है, किसी किस्म की कोई इल्ज़ाम तराशी की है, तो देखें किसी एक के डिसरिस्पेक्ट करने से आपकी रिस्पेक्ट ज़ाया नहीं हो जाती, ठीक है। सामने वाला आपको हमेशा वही देता है जो उसने बचपन से वेयर किया होता है, जो उसकी यूँ समझ लें विरासत में शामिल है, लेकिन एक उस इंसान को छोड़ के आपको पब्लिक में कैसे रिकॉग्निशन मिली है, आपको आपके वर्क सिनेरियो में आपको पब्लिकली आपको फैमिली में किस तरीके से अप्रिशिएट किया गया है, किस तरीके से आपने अपने दम पर बहुत कुछ करके दिखाया है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, ना कि उस एनर्जी के ऊपर, क्योंकि इस वक्त आप बैलेंस पोजीशन में हैं, आप अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, डिवाइन ने आपको आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको दिल के हाथों मजबूर होके इन करंट डेज में कोई काम नहीं करना है। बाकी अब मैं एंड में यहाँ पे लूँगी आपके लिए गाइडेंस के, इस ऑल ओवर सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूवर्स, फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे। अच्छा जी, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग आई है इस दफ़ा। अच्छा जी, प्लांट द सीट ऑफ अ न्यू टेम्पल। अच्छा, देखें अगर कहीं पे अपनी एनर्जी लगाने से बेहतर है किसी नई जगह पे अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करें, आप अपने आप को अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए नए पौधे लगाएं, उसमें से आपको ग्रोथ आती हुई महसूस होगी। ब्रेक फ्री, रीगेन योर यूथ एंड फ्लाई। देखें जो चीज़ गुजर गई है ना उसको छोड़ दें, आपको आगे परवाज लेनी है, आपको आगे उड़ना है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को खामा खां की माजी की एनर्जी के साथ मर्ज ना करें। लव विद एन ओपन हार्ट, ठीक है। और अपने आपके दिल में जो भी प्यार है, जो भी मोहब्बत है, उसको कहीं अंदर दबा दें। आपका ये सिनेरियो नहीं है जहां आप जाना चाह रहे हैं, आपने बहुत ऊंचा उड़ना है, आपकी बहुत ऊंची परवाज़ है, तो अपनी एनर्जी के ऊपर काम करें।
और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ये थी आपकी रेटिंग, कुछ भी रेजोनेट करें मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड बाय।